हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। कौन सी फिल्म शेर सिंह की जो जिसमें आप हीरोइन हैं, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरे जितने भी टीम के मेंबर हैं सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज मूवी रिलीज हो गई और मैंने जो देखा है रिव्यू, सब लोगों ने बहुत तारीफ की है। पवन जी का काम, जितने भी सॉन्ग्स हैं, मतलब अल्टीमेट मूवी बहुत अच्छी बनी है। सब लोगों ने देख के बहुत तारीफ की, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि बोलने से ज़्यादा बेटर है आप लोग जाके देखिए थिएटर में, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सब लोग को मेरा प्रणाम नमस्कार। जसवंत कुमार, शेर सिंह फिल्म आज रिलीज हुआ है जो कि उसका ट्रेलर ही आया था तो काफ़ी चर्चे में है वो फिल्म, और जब से बन रही है तब से बहुत चर्चे में है। जिसके निर्माता निर्देशक शशांक राय जी हैं, जिन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है और स्टार कास्ट का कहना ही नहीं, मतलब पहली बार जो है पवन जी और अमरपाली दुबे जी का, दोनों लोग का एक केमिस्ट्री फुल फिल्म में दिखेगा। और उसके बाद में आयुषी जी हैं जो मेरे बाजू में हैं, इन्होंने भी उसमें जो है सेकंड लीड किया हुआ है और हमने भी उसमें सेकंड विलेन का काम किया हुआ है। हमारे बड़े भाई अशोक समर्थ जी बने हैं, मतलब बहुत सारे स्टारों से सजी फिल्म जो है शेर सिंह है, जिसमें जो है हम लोग के अलावा जय सिंह हैं और बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे हैं। और सब ने बड़ा ज़ोरदार अभिनय किया है और बहुत अच्छा सॉन्ग है उसमें, सारे गाने हिट हैं। फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है, पहली बार जो है शेर से जो है फाइट मतलब है पवन जी का, पूरी में ऐसा हुआ है कि ओरिजिनल शेर के साथ फाइट दिखाया है। तो ये वेरी रिस्की, बहुत शेर के साथ फाइट करना रिस्की तो होता ही है, दर्शक को बहुत पसंद आएगा। और इसका शेड्यूल जो है शशांक राय जी ने मुंबई में किया और राजस्थान जोधपुर में किया, शेर का जो था पार्ट उन्होंने जाके बैंकॉक में किया, तो फिर आके वापस मुंबई में किया, तो मतलब चार शेड्यूल में फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और इसको अपने दर्शक से अपील है, निवेदन है कि आप लोग जाएंगे सिनेमा देखने तो सबको बहुत अच्छा लगेगा गाने से। और प्लीज आप लोग मूवी देखें और अपना कमेंट जरूर करें ये वीडियो देखने के बाद जी, कि आपको कैसी लगी मूवी जी आप लोग, और स्पेशली मेरा सॉन्ग देख के आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि गाना कैसा लगा, कैसा मेरा परफॉर्मेंस लगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अपने चीज़ों को सुधार के अच्छा कर सकूँ और आप लोगों के बीच ऐसे ही काम करती रहूँ, बनी रहूँ। और पहली बार इसमें मैंने डबल सेट में काम किया हुआ है तो वो भी दर्शक को बहुत पसंद आएगा कि हम लोग एक सस्पेंस में मतलब कुछ और हैं और दूसरे में कुछ और हैं। चूँकि आज सिनेमा रिलीज हो रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इसमें डबल सेट में काम किए हुए हैं, तो दर्शक भाइयों को सबको बहुत पसंद आएगा। फैमिलियर फिल्म है, आप लोग जाके पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। पवन जी बहुत दिल खुश मिजाज इंसान है, उनके साथ काम करके कोई भी इंसान बोर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो शूटिंग पे भी इंटरटेनिंग करते रहते हैं। जैसे कैमरे ऑफ कैमरे पे भी हम लोग आपस में बातचीत करते थे और एक फ्रेंडली रहते थे, तो कभी बोरिंग नहीं लगा शूट पे। जैसे कई बार होता है ना कि बोर हो जाता है इंसान अगर शूट नहीं है, तो पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं एक एक्टर के साथ साथ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बात है कि एक्टर होना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात होती है। आम्रपाली जी बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है। मुझे तो काम करके बहुत मज़ा आया उनके साथ। मज़ा क्या, मतलब जब पवन जी के साथ बहुत सारी फिल्में बना चुका हूँ, काम भी किया हूँ, तो जब हम लोग का एक्शन होता है तो सीन में मतलब काफ़ी जो है देखने लायक रहता है। इसके पहले भी वांटेड, सरकार राज, ये सब फिल्में करी चुका हूँ मैं, प्रोड्यूस भी किया था, एज एन एक्टर भी इसमें किया हुआ, इसमें भी हमारा पवन जी का है जो कि दर्शक को दिखेगा। हाँ ये तो है, पवन जी पावर सुपरस्टार है और उनका मूड बनता है तो खेला ही अलग होता है, तो है अच्छा। हाँ मूड बनने में क्या, उनका मूड हमेशा बना रहता है और जो काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं, और उनके चाहे संवाद हो चाहे सिंगिंग हो, ये तो डायरेक्टर शशांक राय बहुत ही मतलब मेहनती और यूँ कहा जाए जो है अपने एक छोटे भाई जैसे हैं, रिस्पेक्ट भी उसी तरह हमारा करते हैं, हम उनका करते हैं, तो बहुत मेहनती हैं शशांक राय जी, और उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत से सिनेमा बनाया हुआ है, उन्होंने एक अच्छा एफर्ट डाला है इस फिल्म में।
ताकि फैमिली के साथ देख सके कोई भी जाकर, ये ना लगे कि नहीं फैमिली के साथ नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं। दर्शक को ये नहीं लगेगा कि उन्होंने कहीं से कोई कमी छोड़ा है उनको, मतलब जो है सिनेमा में बनाने के लिए। फिर से बोलेंगे अपने दर्शक भाइयों कि आप लोग, आज ही शेर सिंह रिलीज हुआ है और ऑल इंडिया पूरा रिलीज हुआ है, आप लोग जाके सिनेमा हॉल में पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं और हम लोग को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए प्लीज। जैसे आप लोगों ने प्यार देते आए हैं वैसे ही देते रहें अपना प्यार आशीर्वाद, और ऐसे ही हम काम करते रहें क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.